नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। घरेलू कामगार महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जाएगा जोड़ा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फिर से होगा ट्रायल। शिक्षक बहाली के विरोध पर शिक्षा मंत्री की दो टूक। विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठक की अवधि तय। अध्यापक बहाली परीक्षा में TET शिक्षक नहीं लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। घरेलू कामगार महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जाएगा जोड़ा। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के द्वारा AN सिन्हा संस्थान में सेवा बिहार के बैनर तले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के मौके पर कहा गया कि राज्य के घरेलू कामगार महिलाओं को सरकार की लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बता दें कि इस दौरान सेवा बिहार के द्वारा अपनी तीन प्रमुख मांगों को रखा गया, जिसमें घरेलू कामगार का राष्ट्रीय मंच, जिसमें सेवा भी एक सक्रिय सदस्य है, को राज्य सरकार विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत एक प्रस्ताव पारित करके घरेलू कामगारों के लिए एक केंद्रीय समुचित कानून की मांग का समर्थन करे। इसके अलावा नियोक्ता के घर को जहां घरेलू कामगार करते हैं उसे घरेलू कामगार के कार्यस्थल की मान्यता दी जाए और घरेलू कामगारों के लिए पेंशन और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाए। BSEB के काम से प्रभावित हुए 23 राज्यों की परीक्षा बोर्ड। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में स्थित होटल मौर्या में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की अध्यक्षता में बिहार बोर्ड के दो दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई, जो कि आज यानी कि 17 जून तक चलने वाली है। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में 24 राज्य के 32 परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी ने भाग लिया, जिन्होंने BSEB के काम करने के तरीके को अपनाने में रुचि दिखाई है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा कहा गया कि आयोजन में बहुत सारे सुधारों पर विचार किया जाएगा और अनुभव शेयर किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा कदम होगा। उन्होंने कहा कि बिहार को तो परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिल चुका है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का रोड मैप बनाया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार किए गए हैं, जिसके बाद देश के कई राज्यों के बोर्ड के अधिकारियों ने बिहार बोर्ड को विजिट करके यहां की प्रणाली को समझने की इच्छा जताई है। विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठक की अवधि तय। विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठक की अवधि को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालयों के द्वारा अपने अध्यक्ष और सभापति की सहमति से सरकार के आला अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद तय कर लिया गया है। बता दें कि तय किए गए अवधि के अनुसार विधानमंडल के मानसून सत्र के बैठक की शुरुआत 10 जुलाई से होने वाली है, जो कि 14 जुलाई तक चलने वाली है। यानी कि इस बैठक की अवधि 5 दिनों के लिए तय की गई है। बता दें कि इस सत्र अवधि में 5 बैठक होगी, हालांकि इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी अभी बाकी है। मालूम हो कि विपक्षी एकता की महत्वपूर्ण बैठक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकार से अलग होने के बाद विधानमंडल का यह पहला सत्र होगा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि इस बार के विधानमंडल का मानसून सत्र की बैठक हंगामेदार होने वाली है। पुणे में बिहार के बच्चों ने किया कमाल। 13 से 14 जून 2023 तक महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल इस प्रतियोगिता में बिहार के बच्चों ने चैंपियन बन गोल्ड मेडल हासिल किया है। बता दें कि प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को 22-5 से हराया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जिसके बाद इस मैच में बिहार के द्वारा सेमीफाइनल में उड़ीसा को 20-7 से हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली, जिसके बाद बिहार की टीम ने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को 28-10 से हराकर अपनी जीत पक्की की और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान की टीम रही, जिसने अपने नाम सिल्वर मेडल किया। वहीं उड़ीसा की टीम ने ब्रॉन्ज जीत पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फिर से होगा ट्रायल। बीते 12 जून को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल पूरा किया गया था, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। इसी को देखते हुए एक बार फिर से इस ट्रेन का ट्रायल कराने का फैसला लिया गया है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अगले 2 दिनों के अंदर एक बार फिर से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन पूरा किया जाएगा। बता दें कि पहले ट्रायल रन में आई खामियों को लेकर वर्तमान में ट्रेन का मेंटेनेंस कार्य पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में जारी है। पिछले ट्रायल रन में ट्रैक पर जो बाधाएं आई थी, अधिकारियों को उन्हें पूरी तरह से दूर करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि पिछले ट्रायल रन में कई जगहों पर अवैध क्रॉसिंग और जानवरों के आ जाने की समस्या आई थी, इस वजह से बार बार इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद
सकरा थाना की पुलिस के द्वारा सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी चौक के स्थित एक होटल के पास से एक ट्रक पर लोड तकरीबन 1081 लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा छापेमारी करने के दौरान दो कारोबारी को भी अपने हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों कारोबारी से पूछताछ की जा रही है और स्थानीय कारोबार को चिन्हित किया जा रहा है। अध्यापक बहाली परीक्षा में TET शिक्षक नहीं लेंगे हिस्सा। एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अध्यापक बहाली परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन TET शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यापक बहाली परीक्षा का बिहार के सभी 2,00,000 TET शिक्षक बहिष्कार करेंगे। इस बारे में TET शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम के द्वारा कहा गया कि सरकार इतने सालों के अनुभव को कोई मोल नहीं दे रही है, जबकि नियमावली की खंडिका 8 में कहा गया है कि जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। बावजूद इसके सरकार शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपना रही, इसलिए TET शिक्षक संघ सभी नियोजित शिक्षकों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वह इस बहाली प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। 299 करोड़ खर्च कर गया जंक्शन की बदलेगी सूरत। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से बिहार के प्रमुख स्टेशनों में शामिल गया जंक्शन को 299 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और यहां एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को सुविधा बहाल की जाएगी। बता दें कि इस स्टेशन को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि अनारक्षित टिकट की उपलब्धता को और सुगम बनाने के उद्देश्य से गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम एवं डेहरी ऑन सोन स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं एवं अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन तथा भभुआ रोड स्टेशन पर ATVM मशीन लगाने का प्रक्रिया जारी है। शिक्षक बहाली के विरोध पर शिक्षा मंत्री की दो टूक। BPSC की ओर से शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के द्वारा शिक्षक बहाली का विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अपना दो टूक बयान देते हुए कहा गया है कि वही लोग शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं जो राज्य के बच्चों का भला नहीं चाहते। इस प्रक्रिया को कोई न्यायिक प्रक्रिया में उलझाते हैं तो माना जाएगा कोर्ट ले जाने वाली की मंशा राज्य के हित में नहीं है। सरकार के द्वारा सभी स्थिति को देखते हुए नापतौल कर नियमावली लाई गई है, इससे आम लोग खुश हैं। कुछ लोग जो नेतागिरी में लगे हैं हो सकता है उन्हें तकलीफ होती होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इससे विचलित नहीं होने वाली है, सरकार 1,00,000 लोगों को रोजगार देने में लगी है, इसमें हमारे साथी व्यवधान करे यह ठीक नहीं। CM नीतीश की सुरक्षा चूक के बाद अलर्ट हुई पुलिस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि इस घटना के बाद 1 अन्य मार्ग और 10 सर्कुलर रोड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी पहले से ज्यादा मुस्तैद कर दिया गया है। मालूम हो कि CM आवास के आसपास के पूरे इलाके की सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। वहीं आने जाने वाले लोगों और गुजरते वाहनों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल रहे थे तो उनके सुरक्षा घेरे में एक बाइक सवार घुस गया, जिससे बचने के लिए नीतीश कुमार फुटपाथ पर चढ़ गए। अगर CM फुटपाथ पर नहीं चढ़ते तो उन्हें चोट भी लग सकती थी। RJD नेता शिवानंद तिवारी ने PM मोदी पर बुलाकर किया हमला। RJD उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के द्वारा ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वाचाल प्रधानमंत्री जी का मौन बहुत अखरता है। मामला चाहे चीन की हमारी सीमा में अस्थायी निर्माण कराने की हो या मणिपुर में गृह युद्ध जैसी स्थिति, प्रधानमंत्री मौन साधना में चले जाते हैं। वाचालता में छिछलापन होता है, गहराई नहीं, इनके मौन का यही संदेश है। मालूम हो कि RJD नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा आए दिन राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातों को रखते नजर आते हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने 23 जून को राजधानी में प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक को लेकर अपने विचारों को फेसबुक पर अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से व्यक्त किया था। विपक्ष एकजुटता रैली से पहले पप्पू यादव ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहा ये। 23 जुलाई को विपक्ष एकजुटता रैली आयोजित की गई है, जिसमें कई छोटे दलों को आमंत्रित नहीं किया गया है, जिससे कि उनमें नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा कहा गया कि मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन जो लोग छोटी दुकान कह रहकर पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मैं यह कहना चाहता हूं कि 2024 में 1 सीट पर लड्डू 2 सीट पर लड्डू, लेकिन मेरी पार्टी कभी किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है। वो लोग अलग अलग समय में NDA के साथ रहे, लेकिन मैंने 5 साल विपक्ष के रूप में भूमिका निभाई। मैं हमेशा महागठबंधन के साथ रहा हूं। राजा तय करता है कि रंग की भूमिका क्या होगी। ऐसे में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस को तय करना होगा कि पप्पू यादव की चुनाव में क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है।
19 जून को हम पार्टी की बैठक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 19 जून को होने वाली है, जिसमें महागठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय लिया जाएगा। बता दें, इस बात की जानकारी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि 19 जून को होने वाले इस कार्यकारिणी बैठक में महागठबंधन सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय लेने के बाद इससे जुड़ा पत्र महामहिम को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही संतोष सुमन के द्वारा यह भी कहा गया कि हमारे सामने कई विकल्प हैं, हम थर्ड फ्रंट पर भी विचार कर रहे हैं, हमारा कोई भी विकल्प पार्टी हित में, जनहित और राष्ट्रहित में होगा। एशिया कप 2023 का प्रोमो हुआ जारी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एक लंबे इंतजार के बाद एशिया कप के मुकाबलों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बता दें, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 31 अगस्त 2023 से होने वाली है और इसका खिताबी मुकाबला 17 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। वहीं अब एशिया कप 2023 का प्रोमो भी जारी कर दिया गया है, जिसे स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के द्वारा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस प्रोमो के वीडियो में विराट कोहली का स्वैग और रोहित शर्मा का अलग तेवर देखने को मिल रहा है। वहीं इस वीडियो में बाबर आजम, शाहिन अफरीदी और श्रीलंका के कप्तान दासू सनाका भी नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में संयुक्त रूप से होगा, जिसमें से 4 मैच पाकिस्तान में और बाकी के 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल मैच भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। हालांकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनु कुमार, अनवर करीम खान, नौशद अंसारी, राजकिशोर महतो, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सकीर हुसैन, सचिन कुमार, अभय, सदुल्लाह पलवी, खुशबू कुमारी, कन्हैया कुमार, कुमार कौशल सिंह, राजकिशोर, रविशंकर, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में किस टीम के जीतने की संभावना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।